Redmi Note 10 Pro और एक फ्लेक्सी फोन, एमोलेड डिस्प्ले विथ 1 मिलियन कलर्स, ड्यूल प्राइमरी कैमरा, यूनिक डिजाइन, फास्ट चार्जिंग एंड मेनी मोर। दोस्तों आज मैं ओप्पो फाइंड एक्स 3 प्रो का हैंड्स ऑन डेप्थ रिव्यू बताने वाला हूँ। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेक स्ट्रीट। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिव अवे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों इस मंथ में बहुत सारे फ्लेक्सी फोन्स आ रहे हैं तो यहाँ पे एक और फ्लेक्सी फोन आ गया है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो फाइंड एक्स 3 प्रो जो कि यूनिक डिजाइन के साथ आता है। तो चलिए डिजाइन से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बैक पैनल की बात करें तो स्लोपी सा कैमरा मॉड्यूल नजर आता है, लेकिन ये कैमरा मॉड्यूल देख के ही कौन से फोन की याद आती है, ऑब्वियसली आईफोन 12 प्रो की याद दिलाता है। अगर साइड बाय साइड देखते हैं तो ऑलमोस्ट सेम ही पोलराइज डिजाइन देखने को मिल जाती है, बस सेंसर्स का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा अलग है। बट यहाँ पे जो मॉड्यूल की डिजाइन है जो स्लोप में देखने को मिल जाती है। और दोस्तों फोन का बैक एक ही ग्लास सीट से बना है और कंपनी ने कहा है इसे बनाने में 40 घंटे लगते हैं, यानी ये पूरा बैच में बनता होगा, अदरवाइज बल्क प्रोडक्शन कैसे होगा। फोन का जो बैक है वो स्मूथ मैट फिनिश का दिया गया है एंड बैक है वो फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंस है, लेकिन फोन का जो बैक है वो गोरिल्ला ग्लास 5 से ही प्रोटेक्टेड है। पता नहीं यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस का यूज क्यों नहीं किया गया, शायद इस स्लोप की वजह से जो एक ही सीट पे बनाया है। वैसे इसकी जो फ्रेम है वो मेटल की दी गई है, यानी बिल्ड में तो ये फोन बहुत ही सॉलिड है और फोन को होल्ड करने में काफी लाइट फील आता है और पतला भी है। ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि ये फोन शायद लाइट नहीं होगा, थोड़ा हैवी होगा, क्योंकि अभी के जो फ्लेक्सी पार है वो शायद 220 ग्राम के अराउंड होते हैं, उससे भी ज्यादा कई बार होते हैं। बट एज माई ओपिनियन एज अ फ्लेक्सी फोन बैक से इतना लग्जरियस फील नहीं आता है जो अभी तक अट्रैक्टिव फ्लेक्सी फोन्स में देखने को मिल जाता है। भले ही ये सिंगल ग्लास सीट से बना है, थोड़ा यूनिक डिजाइन है, इवन इसके जो प्रीडिसीजर वर्जन था यानी X2 प्रो था वो भी कुछ अच्छा था, उसमें लेदर फिनिश आया था जो बहुत ही अट्रैक्टिव और यूनिक डिजाइन लगता था, ये भी यूनिक है, लेकिन इतना लग्जरियस फील नहीं आता है जैसे ये फ्लेक्सी फोन आता है। फोन में प्लेसमेंट की बात करें तो राइट में पावर बटन दिया गया है, लेफ्ट में वॉल्यूम रॉकर दिया गया है, बॉटम में आ जाए तो ड्यूल सिम ट्रे, प्राइमरी माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट एंड बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया है और फोन में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स लगे हैं। अब फ्रंट की बात करते हैं, फ्रंट में भी रेगुलर पंच होल डिजाइन देखने को मिल जाती है, बेजल्स भी पिछली बार की तरह पतले ही देखने को मिल जाते हैं, लेकिन डिस्प्ले में काफी सुधार किया गया है। यहाँ पे 10 बिट की डिस्प्ले मिल जाती है, यानी मूवी और वीडियो देखने में क्लियरिटी ज्यादा मिलेगी, लेकिन रेगुलर यूज पे ये रियलाइज नहीं होगा। वैसे डिस्प्ले काफी अच्छी है, क्वाड एचडी प्लस है, 120 हर्ट्ज की डायनेमिक रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है, इसीलिए इस डिस्प्ले को LTPO एमोलेड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक रिफ्रेश रेट मिलती है। जैसे कि अगर आप कोई ऐप यूज कर रहे हैं जो 10 मेगाहर्ट्ज पे चलती है तो वहाँ पे वो 10 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का ही यूज़ करेगा। अगर आप गेमिंग खेल रहे हो यानी कोई हाई एंड गेम खेल रहे हो जो 120 FPS से चलती है तो वहाँ पे वो 120 FPS का यूज़ करेगा, यानी जो रिफ्रेश रेट है वो डायनेमिक रहेगी। इससे फायदा क्या होगा कि बैटरी कम यूज होगी और ये बात भी डिस्प्ले में बहुत ही अच्छी है। और डिस्प्ले मेरे हिसाब से फोन का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है। और मैं बताना भूल गया, यहाँ पे जो 1300 nits की ब्राइटनेस मिलती है, यानी अगर आप सनलाइट में यूज करते हो तो विजिबिलिटी काफी अच्छी मिलेगी यहाँ पे। अब कैमरे की बात करते हैं, कैमरा इस फोन का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है और ये शायद वर्ल्ड का सबसे पहला फोन है जहाँ पे ड्यूल प्राइमरी कैमरा साथ आता है। ये यानी प्राइमरी कैमरा और अल्ट्रा वाइड कैमरा में फ्लेक्सिप ग्रेड के सेम ही सेंसर्स लगे हैं, यानी दोनों में सोनी IMX766 सेंसर्स लगे हैं, दोनों सेंसर्स 50 मेगापिक्सल्स के हैं। तो ये वर्ल्ड का पहला फोन हो जाता है जहाँ पे फ्लेक्सिप ग्रेड के दोनों सेंसर सेम ही लगे हैं। और फोन में कोड कैमरा सेटअप मिलता है जहाँ पे 50+50+13+3 मेगापिक्सल के कोड कैमरा सेटअप दिए गए हैं और मेन सेंसर और अल्ट्रा वाइड सेंसर में फोटोज अच्छे मिल जाते हैं, डिटेल्स काफी अच्छे मिलते हैं और डायनेमिक रेंज भी काफी अच्छी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फोन में फ्लेक्सिप ग्रेड का ट्रू माइक्रो लेंस भी लगा है। वैसे माइक्रो लेंस है वो बहुत ही काम का नहीं होता है हर फोन में, लेकिन यहाँ पे जो माइक्रो लेंस देखने को मिला है ना उसका जो रिजल्ट है वो ऑसम है। बहुत ही माइक्रो इमेज लेता है, बहुत ही पास से इमेज लेता है
और पिक्सल बाय पिक्सल आप इमेज ले सकते हैं। ऑसम है इसका जो माइक्रो कैमरा, 3 मेगापिक्सल का लेंस लगा है, लेकिन जो सोर्स है बहुत ही अच्छे लेता है। और बाकी एक टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, 3x ऑप्टिकल जूम और 5x तक डिजिट हाइब्रिड जूम और 10x तक डिजिटल जूम का सपोर्ट मिलता है। वो एक नॉर्मल टेलीफोटो लेंस है। यहाँ पे पेरिस्कोप लेंस नहीं दिया गया है, जो पिछली बार फाइंड एक्स 2 प्रो में देखने को मिला था। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। ओवरऑल कैमरा काफी अच्छा है, थोड़ा बहुत रिफाइनमेंट चाहिए इसमें, तो मेरा मानना है अपडेट आने के बाद रिफाइन हो जाएगा। फाइंड एक्स 3 प्रो में परफॉर्मेंस की बात करें तो लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर पे चलता है ये फोन, जो परफॉर्मेंस में बहुत ही ढांसो होने वाला है। इनफैक्ट इसके बेंचमार्क स्कोर भी 6 लाख प्लस मिलते हैं। वैसे मैं बेंचमार्क स्कोर पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे 6 लाख प्लस मिल जाते हैं। फ़ोन में LPDDR5 रैम मिल जाती है और UFS 3.1 स्टोरेज भी दिया गया है, यानी हाई एंड गेमिंग बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्मूथ चलने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे परफॉर्मेंस तो ढांसो ही मिलेगा, क्योंकि 888 प्रोसेसर लगा है, फिर LPDDR5 रैम मिलती है, UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है और फाइनली 120Hz की रिफ्रेश रेट मिलती है, तो सब भी कुछ बहुत ही स्मूथ चलने वाला है इसमें। ये फ़ोन आप ऐसे गेमर भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों आपने अभी तक ROG फ़ोन 5 का रिव्यू नहीं देखा है, जो एक गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन है, तो आपको ऊपर कार्ड में लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, तो वीडियो ज़रूर देख लें। अब ओप्पो फाइंड एक्स 3 में OS की बात करें तो कलर OS 11.2 पे चलता है, जो बेस्ट है एंड्रॉयड 11 के। और दोस्तों ईयर बाय ईयर कलर OS में बहुत सारा इंप्रूवमेंट देखने को मिल गया है, बहुत ही ऑप्टिमाइज होता है और बहुत सारे फीचर्स के साथ आता है ये OS, तो यहाँ पर भी बैटरी एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बैटरी के बारे में बात करें तो 4500 mAh की बैटरी लगाई गई है और एवरेज यूज़ पे 1 से 1.5 दिन चलेगी, लेकिन अगर आप गेमिंग करते हो तो इतना शायद ना चले। ऊपर से यहाँ पे 120Hz की रिफ्रेश रेट है, कोड HD प्लस रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाती है, तो थोड़ी बैटरी कम चलेगी, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं, क्योंकि साथ में मिलता है 65W का सुपर वूक चार्जर, जो 35 मिनट्स में ही बैटरी को 0 to 100% चार्ज कर देता है, और एडाप्टर बॉक्स में ही मिल जाता है। और उससे भी अच्छा 30W का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है, जो करीब 80 मिनट्स में ही बैटरी को फुल चार्ज कर देगा। हाँ, वायर्ड चार्जिंग से थोड़ा स्लो चार्ज है, बट ट्रेडिशनल वायरलेस चार्जर से जो 15W का आता था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, दुगनी स्पीड से ये चार्ज कर पाएगा। और साथ में रिवर्स चार्जिंग का भी फीचर मिल जाता है, वो भी 10W का, तो वो भी पहले 5W का मिलता था, तो ये भी एक अच्छी बात है, इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ पर। तो कंक्लूजन पे आए तो फ़ोन फ्लेक्सिप ग्रेड का ही है, सुपर कैमरा दिया गया, अमेजिंग डिस्प्ले दी गई है, बट जो डिज़ाइन है वो इतनी प्रीमियम फील नहीं देता है जैसे कि फ्लेक्सिप फ़ोन की प्राइस होती है, और इसकी जो प्राइस है वो भी ज़्यादा है। वैसे इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन जल्दी ही लॉन्च हो सकता है। इसकी जो प्राइस है यूरोप में करीब 1150 यूरोज है, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो करीब 1 लाख तक होती है। तो दोस्तों आप क्या मानते हैं इस फ़ोन के बारे में, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस रेंज में इंडिया में लॉन्च होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। और दोस्तों जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस महीने का गिव अवे होने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।